सी बोट अर्जेंटीना एफओबी के साथ डॉलर भी थोड़ा नरम पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के इस असर के साथ ही मार्च अंत के कारण भारतीय बाजार में खाद्य तेलों की मांग सुस्त बनी हुई है। इससे खाद्य तेल बाजार में मंदी का वातावरण देखने को मिला। मंगलवार को इंदौर में सोया तेल 10 से 15 रुपए टूटकर 1505 से 1515 रुपए और पाम तेल इंदौर 1540 रुपए प्रति 10 किलो रह गए। इधर भारतीय बाजारों में सनफ्लावर तेल के भाव भी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। दरअसल भारत और रूस के बीच 45,000 टन सूरजमुखी तेल का सौदा हुआ है। अप्रैल में इसका शिपमेंट होगा। भारत ने $2150 प्रति टन के दाम पर सौदा किया है। इससे सूरजमुखी तेल पर दबाव है। हालांकि दोपहर बाद सीबोट और चीन के मार्केट में वापसी को देखते हुए केएलसी में निचले लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली है। केएलसी ने उत्पादन में बढ़त और कमजोर एक्सपोर्ट जैसे फंडामेंटल को भी अपने आप से दूर कर दिया है। दूसरी ओर मूंगफली तेल में छुटपुट मांग रहने और आवक कम होने से भाव में सुधार रहा। मूंगफली तेल इंदौर बढ़कर 1600 से 1620 रुपए प्रति 10 किलो बोला गया। वहीं इंडोनेशिया ने अप्रैल 2022 के लिए अपने पाम तेल के संदर्भ मूल्य को बढ़ाकर $1787.50 प्रति टन किया, जो कि मार्च 2022 में $1432.24 प्रति टन था। सीपीओ और इसके उत्पादों पर निर्यात शुल्क उच्चतम ब्रैकेट पर स्थिर है और अब लेवी उच्चतम ब्रैकेट तक बढ़ा दी गई है। कपासिया खली में मांग जोरदार रहने और आवक पर्याप्त नहीं होने से भाव में तेजी जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।